मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहराइच हिंसा के पीड़ित परिवार से आज मुलाकात करेंगे। मृतक रामगोपाल का परिवार मुख्यमंत्री से मिलने के लिए लखनऊ रवाना हो गया है। रवाना होने से पहले रामगोपाल की पत्नी ने कहा कि जैसा मेरे पति के साथ हुआ है वैसा ही उनके साथ हो। साथ ही पिता ने भी अपना दर्द बयां किया। खून जी है, जैसे हमारे पति को मारा गया ऐसे उन लोगों को भी मारा जाए, और कुछ नहीं चाहिए उनसे, और हमारी कोई मांग नहीं है। जिस तरीके से मेरे पति को मारा गया उसी तरह उन्हें मारा जाए। जितना दर्द हमारे पति को पहुंचा है इतना ही दर्द उनको पहुंचे, तब जाके हमारे पति को आत्मा को शांति मिलेगी, तभी हम लोगों को भी शांति मिलेगी, और कुछ नहीं चाहिए। अपना तकलीफ कहाँ बताऊँ उनसे, ना कहाँ कि हमने लड़का कहा मारा गया तड़पाए तड़पाए गोली से मारा गया है, समझो तो उनके सजा दें जाए, उनका उनके जिंदगी में हमारा परिवार नष्ट किनका है तो किनकी सजा देंगे। इस घटना पर विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा कि जांच जारी है, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। घटना हुई थी आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, घटना के तुरंत बाद हम लोग पहुंचे भी थे, और जो प्रथम दृष्टया जिनके कारण घटना होना बताया गया था ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जा चुकी है और जांच चल रही है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा चाहे जितना बड़ा हो, और जो पीड़ित है पीड़ित का शासन प्रशासन भी पक्ष ले रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी संवेदना व्यक्त की है और पीड़ित परिवार से मिलने के लिए उनको बुलाया है। अब पीड़ित पक्ष अपनी बात कहेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बात कहेंगे, और मेरे ख्याल से इसके बाद पटाक्षेप हो जाना चाहिए प्रकरण का। अभी क्या स्थिति है पुलिस? अभी स्थिति तो बिल्कुल सामान्य है, अंतिम संस्कार के बाद में स्थिति लगभग सामान्य हो गई। विधायक जी, आप स्वयं जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी के पास पूरे परिवार को लेकर, क्या लगता है आगे क्या मुख्यमंत्री जी की तरफ से इसमें? जो हम लोगों ने सोचा होगा या जो पीड़ित परिवार ने सोचा होगा उससे अच्छा होगा।